नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बुढ़नपुर के कोयलसा क्षेत्र नगर पंचायत कार्यालय के ठीक सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वही मच्छरों का डर लोगों को सता रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक महामारी खत्म नहीं हुई तब तक दूसरी बीमारी को दावत दे रहा है कूड़े का अंबार। तो वही गंदगी से भरी नालियां भी बंद जा रही हैं। लोग आशा लगाकर बैठे हैं कि नगर पालिका के लोग सफाई करने आएंगे, लेकिन अभी तक 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी कोई साफ सफाई नहीं की गई। हम लोगों को डर है कि मच्छर काटने से डेंगू मलेरिया अनेक प्रकार के रोगों से जूझना पड़ेगा। वही जब इसके बारे में SDM बुढ़नपुर से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी साफ सफाई करा दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रवासियों ने क्या कुछ कहा। जितेंद्र कुमार पांडे। अच्छा। और मैं कोयलसा बुढ़नपुर का मूल निवासी हूँ और अभी यहाँ कोरोना काल चल रहा है क्योंकि 2 महीने से अधिक हो गया और एक नगर निगम बुढ़नपुर के अंतर्गत आता है। अभी एक महामारी ख़त्म नहीं हो पाई है तब तक दूसरा कूड़ा का अंबर यहाँ ब्लॉक परिषद के ठीक सामने दिखाई दे रहा है और नगर निगम या कोई इसमें सहयोग अभी तक 2 महीने हो गया, शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, कोई देखने नहीं आया अभी तक। इस कूड़े का अंबार को कोई इस कूड़े को कोई अब तक शासन प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई कर्मचारी या अधिकारी देखने नहीं आया। हाँ। क्योंकि गर्मी का मौसम माने जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ नालियां भी हैं बुढ़नपुर कोयलसा मार्ग पर और नालियां प्रदूषण से बजबजा रही, कीड़े पड़ गए हैं और शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि तमाम अभी एक बीमारी से हम लोग छुटकारा नहीं पाए, दूसरी बीमारी का आगाह होने की स्थिति है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि ध्यान आकृष्ट करके